चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों यहां पे दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो, बराबर है क्या नहीं? वो जो भी प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं उनके कैपिटल रेशियो में। अभी देखिए काले और गोले का कैपिटल आप देख रहे हो यहाँ पे, यस और नो? देखिए ये इसका 80,000 है और इसका 40,000 है, तो 0-0 कट हो गया दोस्तों। तो क्या बचा? 8:4, बराबर है क्या नहीं? क्या बचा? 8:4, बराबर है क्या नहीं? क्या बचा? 8:4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2:1। 2:1 कैसे है? कोई तो ऐसा आपको टेबल लेना है जिसमें दोनों आए, तो फोर के टेबल में दोनों आता है। 4 2 8, 4 1 4, अंडरस्टूड एवरीवन? 4 2 8, 4 1 4, तो ये आ गया आपका 2:1। क्या आ गया दोस्तों आपका? ये 2:1 आ गया। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड ऑन नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो समझ में आया? तो क्या है इनका प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग इन द कैपिटल रेशियो? तो क्या रेशियो में बटेगा? क्या रेशियो में? 2:1, याद रखना 2:1। तो इनका कैपिटल रेशियो कैसा आएगा? 2:1। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अरे हाँ या ना शुभम पाल, तू ज्यादा ही होशियार है। हाँ, परसेंटेज और पैसे में कभी आएगा क्या? पैसा चलता है क्या? हाँ, आज के चाल में 25 पैसा, 50 पैसा कुछ भी दिमाग लगाता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों फटाफट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, समझा? ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, सब लोग ध्यान देना। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, कोई भी लिखेगा नहीं, सब लोग प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई भी लिखेगा नहीं, सब लोग प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे, यस और नो? ठीक है चलो, जब पता है देखो 50 पैसा 50% होता है तो काय को दिमाग फोड़ी करता है भाई। ठीक है चलो, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है चलिए, अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है दोस्तों, ये ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा बताइए मुझे? टेल मी द आंसर, ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? आस्था, पूजा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, यस और नो? कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये रॉन्ग आंसर है आपका। अगर आप बोल रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। समझ में आया? ये आंसर आपका क्या है? रॉन्ग है। ये आंसर आपका क्या है? रॉन्ग है। ये आंसर आपका क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि अब मैं बताऊँ रॉन्ग क्यों है, मैंने आपको ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखाया है लेकिन उसका एक कंडीशन है। अगर आपको ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है दोस्तों, अगर आपको क्या दिया हुआ है? ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलने का, चेक करने का कि कहीं पे सेंड्री एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस है क्या। ट्रायल बैलेंस में सेंड्री एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंसेस है क्या? देखो रॉयल्टी है, वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट है, सैलरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ऑफिस रेंट, मोटर वैन, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, बैड डेट्स। ओ माई गॉड, लास्ट में आ गया है हमारा जनरल एक्सपेंसेस, लास्ट में हमारा आ गया है जनरल एक्सपेंसेस, लास्ट में हमारा आ गया है जनरल एक्सपेंसेस, यस और नो? अरे हाँ या ना? अब देखिए, जब आपको ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है ट्रायल बैलेंस में, बराबर है कि नहीं, और साथ ही साथ में जनरल या सन्ड्री दोनों में से कोई भी एक है, तो याद रखो तो यहां पे ट्रेड एक्सपेंसेस है और साथ साथ में यहां पे क्या है दोस्तों? जनरल एक्सपेंसेस भी है। साथ साथ में यहाँ पे क्या है दोस्तों? जनरल एक्सपेंसेस भी है। साथ साथ में क्या है यहाँ पे दोस्तों? देखो ट्रेड एक्सपेंसेस भी है और यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस भी है। जनरल हो या सन्ड्री हो तो ट्रेड एक्सपेंसेस भी है और जनरल एक्सपेंसेस भी है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी है और जनरल एक्सपेंसेस भी है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी है और जनरल एक्सपेंसेस भी है। तो उस वक्त
आपका ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेड एक्सपेंसेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। जनरल एक्सपेंसेस पे दूसरा नाम भी हो सकता है, क्या नाम? सन्ड्री एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस की जगह पे सन्ड्री एक्सपेंस भी हो सकता है। तो याद रखना, जब दोनों एक साथ आ जाए, ट्रेड एक्सपेंसेस भी आ जाए और जनरल एक्सपेंसेस भी आ जाए, या ट्रेड एक्सपेंस भी आ जाए और सन्ड्री एक्सपेंस भी आ जाए, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। पर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, उसके साथ मतलब उसके नीचे जनरल एक्सपेंस भी नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंस भी नहीं है, तो आपका ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपका ट्रेड एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो ये उसके कुछ नियम है, कुछ उसके पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने हैं, तो ये सब मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है? चलो तो बताइए ट्रेड एक्सपेंसेस कहां जाएगा, टेल मी। अब मुझे आंसर बताइए, ट्रेड एक्सपेंसेस कहां जाएगा? अब मुझे बताइए ट्रेड एक्सपेंसेस कहां जाएगा? वेरी गुड। अब जाएगा कहां? ये ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। समझ में आया? समझ में आया क्यों गया ट्रेडिंग? मैंने लिखा है कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है मैंने आपको, ठीक है? तो चाहे तो मैं यहां पे आपको लिख के देता हूं यहां पे दोस्त। इफ इन द ट्रायल बैलेंस, बराबर है क्या? नहीं, यस और नो? ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, और जनरल एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंसेस भी है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? समझ में आया? जनरल एक्सपेंस तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, लेकिन अगर अगर समझो अगर 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 समझो, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस है पर जनरल एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये जाएगा कहां, जानते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये तो है ही नहीं, बराबर है कि? जनरल एक्सपेंस तो है ही नहीं, बराबर है क्या? नहीं, यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर सभी लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग फटाफट। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट, अभी आप कोई बोलेंगे नहीं, आप सिर्फ देखते जाओगे, जो मेन चीज आएगा मैं आपको समझा दूंगा। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के असेट साइड, फ्री होल्ड एस प्रॉपर्टी बैलेंस शीट के असेट साइड, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, मोटर वैन बैलेंस शीट के असेट साइड में, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है हमको, ठीक है, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट के असेट साइड में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देख लीजिए मैंने किधर गलत तो नहीं लिखा कुछ, मैंने कहीं पे कुछ गलत तो नहीं लिखा है? चलो देख लो उसे, बाद में बोलना नहीं कि सर आपने इधर गलती किया था। हाँ, समझा क्या? चलिए फटाफट। अरे बंटी भगत, वाह भाई वाह, आज सूर्य घुटने उगौला, गटारी गटारी है ना भाई, आज कल है मतलब आज मना रहे लोग। हाँ चलिए, चलो वेरी गुड। हाँ नहीं ना, गलती किया मैंने कुछ भी? चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है? अभी ध्यान देना है आपने, ठीक है, यहाँ से ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है? सुन, कैपिटल रेशियो समझ में आया ना आपको? कैपिटल रेशियो समझ में आया ना आपको? हाँ, तो कैपिटल रेशियो उनका क्या है दोस्तों? 2:1। कैपिटल रेशियो क्या है उनका? 2:1 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया है, काया यानी गोरे, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा ये? पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उधर जाके क्या करने का? इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई लिखेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, ऐसा होना, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज, ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखने का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और कैसे लिखने का? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लो अगर ये क्रेडिट की जगह पे डेबिट में होता, ये अमाउंट क्रेडिट की जगह पे डेबिट में होता, तो क्या लिखते हैं आप?
अगर यही अमाउंट क्रेडिट की जगह डेबिट में होता तो क्या लिखते हैं आप, बोलिए फटाफट। क्रेडिट की जगह डेबिट में होता तो क्या लिखते हैं आप, बताओ फटाफट क्या लिखते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोला है ना, तो फिर आप डेबिट में अगर यही चीज ये 80,000 अगर यहां की जगह यहां होता तो क्या लिखते हैं आप। वेरी गुड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेरी गुड। क्या लिखते हैं दोस्तों आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेरी गुड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, जहां पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वहीं पे आंसर दो दोस्तों, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, सीधा बोलने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ओल्ड आरडीडी होता है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस लोग फॉर्मेट में लिखते हैं, पर अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल में सॉल्व करते हैं, सीधा बोलने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो बिल्स पेबल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अरे हाँ या ना। चलिए देख लीजिए, कोई डाउट है तो सबने बराबर लिख लिया, वेरी गुड। चलो हम एडजस्टमेंट पे आते हैं, हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके टैली भी करना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको टैली किए बगैर हम बाहर जाने वाले नहीं है, घर जाने वाले नहीं है सभी लोग, ठीक है। चलो फर्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है मेरे दोस्तों, पहला एडजस्टमेंट है मेरा, फर्स्ट एडजस्टमेंट है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट एडजस्टमेंट है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट ₹76,000, आया ना, व्हाइल इट्स मार्केट प्राइस, व्हाइल इट्स मार्केट प्राइस कितना है 80,000, अरे हाँ या ना, यस और नो। क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट आपको पता है इसका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, दो दो अमाउंट है 76,000 एंड 80,000, कौन सा अमाउंट लेंगे मेरे दोस्तों आप जल्दी बोलिए, कौन सा अमाउंट लेंगे इसमें से 76,000 या 80,000, वेरी गुड वेरी गुड, विच एवर इज लेस, वेरी गुड, कौन सा लेना है मेरे दोस्तों, विच एवर इज लेस, क्योंकि बचे हुए माल का वैल्यू बढ़ता नहीं है कम होता है, तो हम इसमें से कौन सा लेंगे 76,000, यस और नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कम है काम ज्यादा है, यस और नो, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आज संडे को देखो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं लोग, है ना, यस और नो, संडे देखा संडे को भी पढ़ते हैं बच्चे, कितना होशियार बच्चे है ये लोग, वेरी गुड, यस और नो, सबको 90% प्लस आएगा। अनइंश्योर्ड गुड्स, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अनइंश्योर्ड गुड्स जिस गुड्स का बीमा नहीं है, जिस गुड्स का बीमा नहीं है, जिस गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है, वर्थ ₹10,000, 10,000 का माल था मेरे दोस्तों, वेयर स्टोलन, स्टोलन मतलब चोरी हो गया, स्टोलन मतलब क्या हो गया, चोरी हो गया, स्टोलन मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, चोरी हो गया, यस और नो। अब बताओ क्या हमें बीमा कंपनी से पैसा मिलेगा मेरे दोस्तों, क्या हमें बीमा कंपनी से पैसे मिलेंगे, हाँ या ना, ना 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 नहीं मिलेंगे, तो बताइए मुझे, तो ये नुकसान का, इस नुकसान का, इस नुकसान का बोझा, इस नुकसान का बोझा किसके सर पर आएगा, बिजनेस के सर पे आएगा ना, अरे हाँ या ना, किसके सर पे आएगा, बिजनेस के सर पे आएगा, किसके सर पे आएगा, बिजनेस के सर पे आएगा, ठीक है। चलो इसका वेरी गुड, क्योंकि क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी होती तो वो आपको क्लेम देती, मुआवजा देती, भरपाई देती, मोह बदला देती, पर यहाँ पे तो आपने बीमा निकाला ही नहीं, और चोर जब आपके दुकान से, आपके गोडाउन से माल चोरी करेगा तो वहां पे पैसा थोड़ी रख के जाएगा, यस और नो, हाँ या ना, कि मैं आपके दुकान से माल चोरी कर रहा हूँ और ये आपके पैसे हैं, ठीक है, गिन लेना एंड कीप द चेंज, ऐसा थोड़ी लिख के जाएगा, ऐसा थोड़ी बोल के जाएगा, वो तो माल लेकर सीधा रफू चक्कर हो जाएगा, तो पूरा नुकसान हमारे सर पे आएगा, बिजनेस के सर पे आ जाएगा, और ये हमारे लॉस बाय थेफ्ट बोलते हैं इसको, लॉस बाय फायर नहीं बोलते इसको, इसको लॉस बाय थेफ्ट कहते हैं। अच्छा गुड्स गया, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स से जुड़ा हुआ अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बताइए मुझे,
गुड्स से जुड़ा हुआ अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है मेरे दोस्तों, बताइए फास्ट। वेरी गुड, गुड्स से जुड़ा हुआ अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड, मैं आंसर देख रहा हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। ट्रेडिंग अकाउंट, तो गुड्स कम्स इन टू द बिजनेस या गोज आउट माई डियर फ्रेंड्स। गुड्स रियल अकाउंट है, तो गुड्स कम्स इन टू द बिजनेस या गोज आउट। गुड्स गुड्स आ रहा है या जा रहा है, टेल मी यस और नो। वेरी गुड, गुड्स गोज आउट। वेरी गुड, तो डेबिट या क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बराबर है, तो बताओ डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट माय डियर फ्रेंड्स। वेरी गुड, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो समझा। अब मैं इसका दो इफेक्ट आपको समझाता हूं मेरे दोस्तों। पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स स्टोलेन, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स स्टोलेन, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स स्टोलेन। एंड सेकेंड इफेक्ट, ये गुड्स का बीमा था ही नहीं मेरे दोस्तों, तो सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड में टू लॉस बाय थेफ्ट, टू लॉस बाय थेफ्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? ये मैं इसलिए बता रहा हूं जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो आप फटाफट याद रहेगा आपको। चलिए, तो ना ये एडजस्टमेंट किसी में ऐड हो रही है, ना ये एडजस्टमेंट किसी में लेस हो रही है, तो आपको किसी को भी स्टार देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को भी स्टार देने की जरूरत नहीं नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नंबर तीन मेरे दोस्तों, नंबर तीन मेरे दोस्तों, नंबर तीन मेरे दोस्तों, ठीक है, देखते हैं क्या है यहां। गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2013। यस और नो? 10,000 का माल हमने बेचा, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, डिलीवर्ड। डिलीवर्ड का मतलब होता है हमने सामने वाले के पास पहुंचा भी दिया। डिलीवर्ड का मतलब होता है हमने सामने वाले के पास पहुंचा दिया, हमने सामने वाले के पास क्या कर दिया दोस्तों, पहुंचा दिया। हाँ, तो क्या हुआ, माल बेचा और पहुंचा दिया, तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, देखिए क्या हुआ यहाँ पे। बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में हमने एंट्री नहीं लिखा। मतलब हमने माल बेचा, सामने वाले को माल मिल भी गया, लेकिन मेरे दोस्तों आपने उसको सेल्स बुक में नहीं लिखा, तो इसे कहते हैं मेरे दोस्तों अनरिकॉर्डेड सेल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? अनरिकॉर्डेड सेल्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों इसे? अनरिकॉर्डेड सेल्स। अच्छा, आपको याद है 11th में आप सब्सिडरी बुक सीखते थे मेरे दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड में आपको याद होगा आप एक चैप्टर सीखे थे सब्सिडरी बुक, आया ना? उसमें आप बनाते थे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, फिर आप बनाते थे सेल्स रिटर्न बुक, अरे हाँ यार, और आपका कैश बुक, और भी बहुत सारे थे। आपको याद होगा ये जो परचेज बुक या सेल बुक में आप क्या लिखते थे दोस्तों, परचेज बुक या सेल्स बुक में आप क्या लिखते थे, याद है? इसमें हम क्रेडिट परचेस यानी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते थे, याद आ रहा? मतलब जो माल हमने उधारी बेचा, जो माल हमने उधारी बेचा है, जो माल हमने उधारी बेचा वो हम रिकॉर्ड करते थे, यस और नो? हाँ या ना? कैश सेल्स या कैश परचेस सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, कैश परचेस आपके परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, कैश सेल्स और कैश परचेस आपके सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, क्रेडिट परचेस यानी क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेस यानी क्रेडिट पर, यस और नो? वेरी गुड। अब मुझे बताइए आपने माल बेचा पर कौन से बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, देखो यहां गौर से देखिए, कौन से बुक में रिकॉर्ड नहीं किया आपने? सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड किया, सेल्स बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो बताइए मेरे दोस्तों ये कौन सा सेल्स है, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, इज इट अ कैश सेल्स या इज इट अ क्रेडिट सेल्स? वेरी गुड, ये कौन सा सेल्स है दोस्तों? ये है हमारा क्रेडिट सेल्स। हम जिसको उधारी माल बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम जिसको उधारी माल बेचते हैं, हम जिसको उधारी माल बेचते हैं, हम जिसको उधारी माल बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड,
हम उसे क्या कहते हैं, संड्री डेटर। हम उसे क्या कहते हैं, संड्री डेटर। वेरी गुड, हम उसे क्या कहते हैं, संड्री डेटर। अंडरस्टूड एवरीवन? जिसको ज्याला आपन उसने उधारी माल विकतो बेचते हैं उसे क्रेडिटर कहा जाता है, और जिससे हम उधारी माल खरीदते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? वेरी गुड। अब इसका दो इफेक्ट बताओ क्या करने का। अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या करोगे आप, जल्दी जल्दी बताओ। अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या करोगे आप, जल्दी जल्दी बताओ। अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या करोगे आप, फास्ट। एड इन सेल्स, वेरी गुड। एड इन सेल्स, वेरी गुड। एड इन सेल्स। और सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे? एड इन परचेस। अरे बाप रे बाप, एड इन परचेस का क्या संबंध आता है? हाँ, और सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे? एड इन, वेरी गुड। एड इन सन्ड्री डेटर, एड इन सन्ड्री डेटर, एड इन सन्ड्री डेटर, वेरी गुड। एड इन सन्ड्री डेटर, वेरी गुड। क्योंकि हम जिसको उधारी माल बेचते हैं तो डेटर भी बढ़ेगा ना, हमारा सेल्स बढ़ेगा, उधारी से बढ़ेगी तो आपका उधारी की लेनदार जो देनदार है, जो उधारी से आपको पैसा है, वो भी बढ़ेंगे ना आपके। चलो, तो समझ में आया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो किसी को स्टार देने की जरूरत है? हाँ, सेल्स को स्टार देना है, सेल्स को स्टार देना है, सेल्स को स्टार देना है, और सन्ड्री डेटर को स्टार देना है। सेल्स को स्टार देना है और सन्ड्री डेटर्स को स्टार देना है। सेल्स को स्टार देना है और सन्ड्री डेटर्स को स्टार देना है। जिसको हम स्टार देंगे उसको हम येलो कलर दे देंगे, क्योंकि भाई इसको एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिखना है, आउटर में नहीं। चलो, क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो साक्षी साबरे, आपका नेट पैक चेक कीजिए, बफरिंग नहीं हो रहा बेटा। डेप्रिशिएट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिशिएट। क्या बोला है बच्चों? डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट। क्या डेप्रिशिएट? प्लांट एंड मशीनरी एट 10%, प्लांट एंड मशीनरी एट 10%, वेरी गुड। आनी आनी, आनी काय, आनी काय, आनी। मोटर वैन कितना परसेंट? 15%। बराबर है क्या? नहीं, यस और नो? प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है, मोटर वैन पे 15% है। चलो, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है और मोटर वैन पे 15% है। चलो, अभी हम पहले ये देखते हैं दोस्तों, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 44,000। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट देखो, आपको दिखाता हूं मैं। प्लांट एंड मशीनरी, ये देखिए, मैं हाइलाइटर की, देखो दिख रहा है आपको, मैं लाइन बना रहा हूं। यस और नो? प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 44,000, बराबर है। और मोटर वैन भी दिखाता हूं मैं आपको, मोटर वैन का अमाउंट है 63,000। मोटर वैन का अमाउंट कितना है? 63,000। दिखा क्या? यस और नो? वेरी गुड, यस यस यस। चलो अब मुझे बताओ, ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी देखो दिख रहा है आपको, प्लांट एंड मशीनरी दिखा आपको, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी 44,000 है, और मोटर वैन देखो दिख रहा है आपको कितना है? 63,000। बराबर है क्या? नहीं, यस और नो? कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10% एंड 15%, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बताओ, 44,000 ना, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहीं पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। चलो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है ना? 44,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। 10% है तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12। जिसको नहीं आता ध्यान दो, 12 गया 12 गया, 0000, तो ये आया आपका 4,400। और डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन 63,000 था दोस्तों, 63,000 था ना मोटर वैन, हाँ 63,000। 63,000 पे 10/100, ये 12 महीना, इसलिए ये ओल्ड असेट है, 12 महीना इसलिए ये ओल्ड असेट है। 12/12 बताइए कितना आता है दोस्तों? ये 12 गया 12 गया, 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, सॉरी 5%, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 15% है, 5% भी नहीं है, 15%, आई एम सॉरी। कितना परसेंट है? 15% है, तो ये 0 भी गया। चलो, कितना आता है? 9,450, वेरी गुड। 9,450, यहाँ पे एक 0 ज्यादा हो गया है,
है, तो 4,400 आया और 9,450। क्लियर हो गया सभी लोगों को? देख सकते हैं आप लोग, यस और नो? एनीवन हैविंग डाउट्स? एनीवन हैविंग डाउट्स? यस नो? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी और मोटर वैन को मैं स्टार देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी को स्टार, मोटर वैन को स्टार। जिसको एडजस्टमेंट है हम उसको क्या देंगे दोस्तों? स्टार देंगे। किसी को भी किसी भी वक्त डाउट रहेगा बच्चों, पूछो, पूछने में कोई मनाही नहीं है, पर ध्यान से लेक्चर सुनते भी जाइए आप। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। चलिए चलो, अब हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों एडजस्टमेंट। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹4,000। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स, इस वर्ड को मार्क करने का, क्या इंक्लूड्स? किस वर्ड को मार्क कर आप? इंक्लूड्स, इंक्लूड है मतलब बिल्स रिसीवेबल में शामिल है। बिल्स रिसीवेबल में शामिल है क्या? बिल डिसऑनर हो गया है। कितने रुपीस का? 4,000 का, यस और नो? अच्छा, तो क्या करोगे बताओ? फर्स्ट इफेक्ट बताओ क्या करोगे? इंक्लूड है ना, एक्सक्लूड करो। इंक्लूड है ना, एक्सक्लूड करो। इंक्लूड है मतलब उसमें ऐड है, तो पहले उसको बाहर निकालो। चल भाई, तू इधर से निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो क्या करने का बताओ फटाफट? लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड शिवम। लेस करना है, वेरी गुड। लेस करना है, वेरी गुड। किस में से लेस करना है? बिल्स रिसीवेबल में से लेस। पहला, बिल्स रिसीवेबल में से लेस, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। अरे हाँ या ना? बराबर है। और सेकेंड, हमने बिल रिसीवेबल, हमने बिल ड्रॉ किया रहेगा, हमने बिल किस पे ड्रॉ किया रहेगा? डेटर पे। तो भाई तू डेटर, तूने बिल डिसऑनर कर दिया। ठीक है, मैं तेरे से पैसे लेकर रहूंगा, वसूल करके रहूंगा। तो डेटर्स में क्या कर दो? एड। वेरी गुड सारा, वेरी गुड। एड इन सन्ड्री डेटर्स, हम हमारा पैसा छोड़ेंगे नहीं, तेरा पीछा ना, मैं छोड़ूंगा डेटर। एड इन सन्ड्री डेटर्स, कि हम डेटर्स पे बिल ड्रॉ करते। तो अगर उसने बिल डिसऑनर किया, बराबर है ना, जैसे आपने मुझे फीस दिया चेक में, आपने मुझे 2,000 रुपया चेक से फीस दिया, बराबर है? मैंने वो चेक लिया, मैं आपको पावती दे रहा हूँ, रिसिप्ट दे रहा हूँ कि आपने मुझे 2,000 फीस दिया। मान लो आपकी फीस 12,000, तो आप क्या सोचते हो? मैंने सर को 2,000 दिया तो 10,000 बाकी। मैं भी यही सोचता हूँ कि इसका 12,000 फीस था, इसने मुझे 2,000 का चेक दिया, 10,000 बाकी। हाँ या ना? जब मैं वो चेक बैंक में डालता हूँ, चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। हाँ या ना? अब बताओ, अब मैं आपको फोन करूंगा कि अरे आपने जो मुझे चेक दिया था वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। हाँ या ना? अब बताओ, क्या मैं आपसे 2,000 रुपये वसूल नहीं करूंगा? करूंगा या नहीं करूंगा बताइए मुझे। आप, मैं तो 2,000 का चेक दिया, मेरा 2,000 कम है ना, बाकी दो बाकी रहा 10,000। अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया तो मैं आपसे 2,000 नहीं लूंगा क्या? आपकी फीस वापस 12,000 नहीं हो जाएगी क्या? बताइए मुझे, यस और नो? बराबर है। तो आपकी फीस पहले, जब आपने 2,000 का चेक दिया तो आपने अपने 12 में से माइनस किया, पर जब ये चेक डिसऑनर हुआ, जब ये टिक चेक डिसऑनर, तो अभी बताओ आप मुझे वापस कितना रुपया दोगे? आपके अंक पे कितना रुपया निकलता है बताओ मुझे? आपने मुझे जब 2,000 का चेक दिया तो आपने 12,000 में से 2,000 माइनस किया कि आपन सरांना चेक दिले म्हणजे पैसे दिले, पण तो चेक काय झाला मित्रांनो? बाउंस झाला, डिसऑनर झाला। आता सांगा, तुमच्या अंगावर किती पैसे परत निघतात? 12,000। पहले आपने जब चेक दिया तो 2,000 आपने माइनस किया, पर जब वो चेक डिसऑनर हो गया तो वापस आपके ऊपर 2,000 रुपये क्या हो गया? अप्लीकेबल हो गया ना, तो 10 वापस 2 ऐड हो जाएगा 12,000। तो वैसे सन्ड्री डेटर है, जब वो बिल एक्सेप्ट करता है तो डेटर की अमाउंट कम हो जाती है, लेकिन जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो वापस वो अमाउंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया मेरे दोस्तों सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलो, तो बिल्स रिसीवेबल डेटर को स्टार करना होगा। ये रहा सन्ड्री डेटर और यही है बिल्स रिसीवेबल। चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16,000 मोटर वैन बिल्स रिसीवेबल को स्टार है यहां पे मेरे दोस्तों, ठीक है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा। चलो, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर। आरडीडी मालूम है, न्यू आरडीडी क्या है ये हमारा? क्या है हमारा ये?
न्यू आर डी डी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या करने का, डेटर में पैसा डुबाएगा, कौन डुबाएगा, हमारा डेटर ही डुबाएगा, तो डेटर में से लेस और बैड डेट्स में ऐड, तो स्टार कर देता हूं, डेटर्स में से लेस और बैड डेट्स में ऐड, बैड डेट्स को भी स्टार कर दिया, बराबर है, ठीक है। अब देखिए डेटर्स को 3 स्टार हो गया, डेटर को कितना स्टार हो गया, 3 स्टार, डेटर को कितना स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, यस और नो, डेटर्स को कितना स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया। अब बताओ 1 स्टार को 1 लाइन, 2 स्टार को 3 लाइन, 3 स्टार को 5 लाइन, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड, वेरी गुड लक्ष्मण, वेरी गुड सालवे, वेरी गुड साई, वेरी गुड, 5 लाइन छोड़ना होगा, ठीक है। तो जिन जिनको देखो आप देख सकते हैं मैंने स्टार किसको किया है दोस्तों, बाद में ये आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा मेरे दोस्तों, आप टेंशन नहीं लेना आपने, ठीक है, आप पहले प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए सभी लोगों को समझ में आया, किसी को भी किसी चीज में डाउट है तो बताओ, सो मैंने सारी एडजस्टमेंट लिखा के दी है, आप जब भी बुक कीपिंग का लेक्चर अटेंड करते हो मेरे दोस्तों आपने उनका रिविजन करना है, अंडरस्टूड एवरी वन। सेकेंड एडजस्टमेंट, बाप रे बाप, समर सैयद क्या पूछ पूछ के सेकंड, मेरे को लगा आप पूछेंगे तो कौन सा पूछेंगे, 5वां नंबर पूछेंगे, पर आपने पूछ लिया सेकंड नंबर, अनइंश्योर्ड गुड्स, जिस गुड्स का बीमा नहीं है वो गुड्स चोरी हो गया, जो गुड्स का बीमा नहीं है वो चोरी हो गया, तो आपको लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो एक पहला आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लॉस बाय गुड्स स्टोलन, कि गुड्स गया, और लॉस बाय थेफ्ट है पूरा नुकसान आपको हुआ, फाइनेंशियल लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू लॉस बाय थेफ्ट, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगी, बीमा नहीं है ना, कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों, इन द बुक्स ऑफ मिसेस काली एंड गोरी 31 मार्च 2013, कॉलम बनाया रहेगा आप लोगों ने, से उम्मीद करते हैं आप कॉलम बना के रखो सब, ऐसे जैसे मैंने कैसे बनाया, देखो इन द बुक्स ऑफ मैंने कुछ नहीं लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर लिखा, पर आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, देखो मैंने कैसा बना के रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड आगे कुछ नहीं लिखा है मैंने, और प्रॉफिट एंड लॉस अलग पेज पे लेने का, ट्रेडिंग अकाउंट अलग पेज लेने का, ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे नहीं बनाना, उसको अलग पेज लेना, फिर पार्टनर्स कैपिटल, देखो मैंने यहाँ पे बना है, नाम लिखा है किसी का, कुछ भी नहीं लिखा है, ना ही मैंने पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिखा है, अब 5 लाइन का बनाएंगे, बाकी उसके नीचे बैलेंस शीट, देखो मैंने कैसे बनाया, तो ऐसे क्या करने का, आप लोगों ने भी क्या करके रखने का, बना के रखने का कॉलम, एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम का तो बना, 1 प्रॉब्लम का तो बना के रखो, कि एक लेक्चर में 1 प्रॉब्लम तो आराम से करना ही है हमको, यस और नो, अंडरस्टूड एवरी वन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सब लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हम लोग का, आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पहले 10 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट है, कितने लाइन का, 10 लाइन, देखो 1 2 3 10 लाइन बराबर है। चलो पहला नाम है ओपनिंग स्टॉक, स्टार्ट करें लिखना, ये प्रॉब्लम को टैली भी करना है क्लोज भी करना है दोस्तों, बराबर है क्या, नहीं, यस और नो, स्क्रीन पे देखते रहो ना, जरा स्क्रीन दिखता नहीं क्या आपकी इधर से, अभी ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ, पहला कौन है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स काली एंड गोरे, पहले लिख देता हूं, मेसर्स काले एंड गोरे ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013, ठीक है। अब सब सब साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है, सभी लोग तैयार है दोस्तों, ठीक है। चलो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू ओपनिंग स्टॉक 28,000, परचेजेस क्या दोस्तों, परचेजेस क्या दोस्तों, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट टू, फटाफट मेरे साथ लिखना है आपने, परचेजेस, परचेज कोई स्टार नहीं है, 1,16,400 ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में ही जाएगा, यस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस
2400। फिर रॉयल्टीज, टू रॉयल्टीज, साथ साथ में लिखते रहेंगे बच्चों आप लोग, 6200। वेजेस एंड सैलरी सेम यहीं पे आएगा। सेंस सीक्वेंस में जाने का, जैसा जो आ रहा है वैसा ही जाने का, समझा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग का सब लिखते हैं, फिर उसमें टाइम ज्यादा है, आप वो चीजों को जैसे जैसे आता है वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है। चलो वेजेस एंड सैलरीज 14800। चलो जब हो जाए लिख के तो बोलिए। अरे बाबा समर सही है, ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक में तो वो थोड़ी गैप देगा, अपने को सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक तो एक प्रिंटेड बुक है ना, तो वो लोग थोड़ी उतना जगह, वो तो क्या छोटा बड़ा कर सकते हैं यार। तुम टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओगी क्या? टेक्स्ट बुक में जो रहता है वो आपके कंप्यूटराइज फॉर्म है वो कम। अभी मेरा देखो, मेरा तो आराम से एक पेज में हो जाएगा कि ये लैप कंप्यूटर जूम कर सकता हूं मैं, उसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूं मैं, छोटा कर सकता हूं बड़ा। आप एग्जाम में थोड़ी कर पाओगे पेज को जूम इन और जूम आउट। सेंट टेक्स्ट बुक खाली ठीक है पढ़ो, उसमें किसके नीचे क्या दिया वो मत देखो आप, ठीक है। वो अपने हिसाब से पेज एडजस्ट करते हैं। अब मैंने ये पेज जूम करके रखा, अभी मैं आपको दिखाऊं, देखो ये, देखो ये मेरा पेज है, बराबर है क्या? नहीं आपका इतना बैठेगा ही नहीं, देख लो ये मेरा पेज है, देख रहे हैं आप, ठीक है। आपके नोटबुक में बैठेगा ही नहीं, आपका पेज ही खत्म हो जाएगा। ये देखो मैंने अभी इसको जूम कर दिया दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। एडवर्टीजमेंट 8200, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते समय एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखिएगा, पहला लाइन छोड़ के लिखने का, ठीक है। फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखने का, ठीक है। टू एडवर्टीजमेंट, एट थाउजेंड टू हंड्रेड, 8200, ठीक है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू सैलरीज। तो जो टेक्स्ट बुक वगैरह बेटा वो रेफरेंस के लिए, उसके अंदर जो सॉल्यूशन दिया है वो देखो उन्होंने कैसे लिखा है वो मत लिखो, कंप्यूटराइज रहता है पूरा, ठीक है। चलो एडवर्टाइजमेंट एंड सैलरीज हो गया दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट एंड सैलरीज हो गया आपका, हो जाए तो फटाफट डन करो सर, डन डन डन। ठीक है चलो हो गया, वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के असेट साइड में, फोर्टी फोर थाउजेंड, इसका ये 31 2013। और जो पीडीएफ में भेजता हूँ बेटा पीडीएफ व्यूअर में देखा करो, नॉर्मल उसको डाउनलोड मत करो। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 36,000। बहुत मासूम बच्चे आप लोग। फिर है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया हमारा, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया। चलो हो गया सभी लोगों को, चलो फ्री प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। फिर अगला नाम है दोस्तों हमारा ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट कहाँ लिखना है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है ठीक है। टू ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट को कोई स्टार नहीं है, आउटर में लिखेंगे हम लोग ऑफिस रेंट को 4000। मोटर वैन बैलेंस शीट के असेट साइड में, हो गया ऑफिस रेंट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, मोटर वैन बैलेंस शीट के असेट साइड में, मोटर वैन इसको स्टार था, इनर कॉलम में लिखेंगे हम,
63,000। एक स्टार रहेगा, एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। चलो, बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स रिसीवेबल 16,000 है। फिर सन्ड्री डेटर असेट में जाएगा दोस्तों, सिक्सटी थाउजेंड। इसको तीन स्टार था, पांच लाइन देखो, एक दो तीन चार पांच, और इस लाइन को अंडरलाइन, सन्ड्री डेटर्स। हाँ, बिल्स रिसीवेबल को स्टार है ना, सॉरी, बिल्स रिसीवेबल को स्टार है, सॉरी सॉरी सॉरी। सन्ड्री डेटर्स आपके पास नोट्स है ना, चलो अच्छी बात है, देखते रहो। मेरे पास है पर लिखा हुआ नहीं है। सन्ड्री डेटर्स 60,000, एक दो तीन चार पांच, हम पांच, चलो ठीक है। दोस्तों स्टूडेंट्स, आपके पास नोट्स है बेटा? मेरे पास नोट्स नहीं, मैं खाली देख देख के जो मेरा प्रॉब्लम है वो देखता हूँ मैं, ठीक है। और मेरे इसमें स्टार वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पास नोट्स हैं, कल से आप नोट्स लेने आ सकते हो ऑफिस में, 9:30 को ऑफिस खुलेगा, ठीक है। गपचुप आने का, गपचुप जाने का, सुमड़ी में कुमड़ी, ओके। चलो, जिनके पास नहीं है, एडमिशन लेने भी आ सकते हैं, फीस भरने भी आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। सन्ड्री डेटर्स के बाद है कैश इन हैंड, स्टूल लेके कैश इन हैंड 10,000, ठीक है। याद हो जाए तो बताइएगा मुझे फास्ट। हो गया, ठीक है, हो गया बच्चों, यहां तक सभी लोगों का ठीक है। बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह है हमारा पार्टनर्स। देखो तो मैंने कैसा फॉर्मेट बना के रखा है, पहला है काले, दूसरा है गोरे, टाइम बचता है ना दोस्तों हमारा, काले और गोरे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ईयर एंडेड मत लिखना है आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस कितना बड़ा, 31 मार्च 2013। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैड डेट्स, इनर कॉलम में लिखेंगे हम 1,000, ठीक है। उसको आरडीडी वगैरह है ऐसा नो, तो एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस 2,800, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, हो गया बच्चों, ठीक है, डन हो गया। ये हमने डेबिट बैलेंस क्लियर किया है सर, क्या क्लियर किया है, डेबिट है सर। ये प्रॉब्लम आज टैली करना है, 11 का 11:30 बजेगा तो भी चलेगा, पर ये टैली करके ही हटेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? आधा काम आगे आधा काम बस, मजा नहीं आता दोस्तों, ठीक है। टू जनरल एक्सपेंसेस 2,800 हो गया, ठीक है। चलो, क्रेडिट बैलेंस, फिर हमारा है कैपिटल अकाउंट काले यानी गोरे, कैपिटल अकाउंट काले यानी गोरे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
80,000, 40,000, ये 5 लाइन का बनाया करो, 1 2 3 4 5, पार्टनर्स कैपिटल 5 लाइन का बनाया करो और उसके नीचे ही आप बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है? चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट के लाइब्रेरी से देखो, जब आप लाइब्रेरी में लिखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन छोड़ के लिखने का, ठीक है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 54, सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई स्टार वगैरह नहीं है, 54,000, ठीक है, 54,000, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स है 2,12,000, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय सेल्स, इसको स्टार है अनरिकॉर्डेड सेल्स का, इनर में लिखेंगे 2,12,000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ओल्ड आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये हमारी ओल्ड आरडीडी है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिखने, बाय फॉर्मेट वगैरह में लिखने का नहीं, बिंदास लिखने का, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। लोग इसको फॉर्मेट में ओल्ड आरडीडी करके भी लिखते हैं, ठीक है? आप क्रेडिट में लिखो तो भी लेस इफेक्ट होता है, डायरेक्ट लेस करो तो लेस होता ही है, ठीक है? बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 36,000। बिल्स पेएबल, ठीक है, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेएबल। सो यहाँ पे थोड़ा अमाउंट में गड़बड़ हो गया है, ठीक है? सेल्स के बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट 1,800 है, 1,800 है, 1,800 है, ये 1,800 है, 1,800। और देखो आपके नोट्स में अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, 1,800 पीछे रह गया, नाम आगे चला गया, यस और नो? अरे हाँ या ना, ठीक है। और बिल्स पेएबल है 36,000, बिल्स पेबल है 36,000। चलो फास्ट दोस्तों। हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे बिल्स रिसीवेबल डिजन हो गया, तो आपने बिल्स रिसीवेबल में से क्या किया लेस और डेटर में क्या किया ऐड, ऐसे बिल्स पेबल भी अगर क्या हो गया डिसऑनर, बिल्स पेबल भी अगर क्या हो गया, तो वैसे बिल्स पेबल में से लेस और सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड, बिल्स पेबल में से लेस और सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड, कभी बिल्स पेबल, लेकिन बिल पेबल हम लोग ऑनर डिजर्व करते हैं और हम किसी का पैसा डुबाते नहीं, हम ईमानदार लोग हैं, इंसानियत है हमारे अंदर, बराबर है क्या? नहीं, खुददार लोग हैं हम लोग। लेकिन फिर भी अगर बिल पेबल भी डिजॉल्व होता है तो सेम बिल्स पेबल में से लेस और सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड, बिल्स पेबल में से लेस और सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है शुभम पाल, तूने मुझे ये सवाल पूछा था, याद आ रहा है तेरे को? यस और नो? जब मैं बिल्स रिसीवेबल डिजॉल्व सिखा रहा था तो तूने बोला बिल्स पेबल भी डिजर्व हुआ, तो मैं बोला हम किसी का पैसा नहीं डुबाते हैं, यस और नो? ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बेईमान होते हैं, यस और नो? लालची होते, दूसरे का भी पैसा डुबा देते हैं, तो बिल्स पेबल में, यस और नो? अरे हाँ या ना। हाँ, लेकिन कैसा है, हम किसी का पैसा डुबाते नहीं, मैं सिखा देता हूँ, बिल पेबल में से लेस और सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? हाँ, ईमानदार है हम, यस और नो? यार देखो, इंसान की जरूरत क्या है, दो वक्त की रोटी है, दो कपड़ा, एक मकान है, बस और क्या है, बराबर है क्या? नहीं, यस और नो? ठीक है चलो। हाँ देखो कैसा है, लिखवाया था कुछ, सभी चीज हम नहीं लिखा सकते, सभी चीज लिखा दिया ना तो आपको मजा नहीं आएगा, सस्पेंस खत्म हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा अपना दिमाग भी लगना चाहिए थोड़ा सा, तो मजा आता है। सब चीज मैं अगर आपको बता दूं ना दोस्तों, तो फिर सिखाने में मजा नहीं रहता है, कुछ तो एक ऐसा सरप्राइज रहना चाहिए, सस्पेंस रहना चाहिए, बराबर है क्या? नहीं, यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। चलो, तो ये हमारा पोस्टिंग हो गया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों मेरे, आपको जिन लोगों ने लिखा है, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट एक बार चेक कर लो फटाफट, ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर लो, टैली किए बगैर हलना नहीं है, ओपनिंग स्टॉक परचेस ट्रेड एक्सपेंस रॉयल्टी वेजेस,
बाय सेल्स, एक लाइन छोड़ा हुआ है, चेक करते जाओ, ठीक है। हाँ फिर कहता, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ ना कि बताओ इसका इफेक्ट क्या होएगा, तो थोड़ा आपका भी दिमाग लगता है। देखो यहाँ पे पहला लाइन छोड़ दिया, पहला लाइन छोड़ दिया, एडवर्टीजमेंट सैलरीज ऑफिस रेंट बैड डेट्स को एक लाइन से, जनरल एक्सपेंस रिजर्व फॉर डॉक्यूमेंट्स 1800। क्लियर हो गया सभी लोगों को? देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, सब बराबर लिखा है आपने, देख लो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे देखो, ये है बैलेंस शीट, 10 लाइन छोड़ा है यहाँ पे मैंने। सैंड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, प्लांट एंड मशीनरी एक लाइन छोड़ा, फ्रीड आउटर में, मोटर वैन इनर में, बिल्स रिसीवेबल सैनिटर, ये 5 लाइन छोड़ा है देखो मैंने यहाँ पे। कैश इन हैंड देख रहे हैं आप सभी लोग? क्लियर है सभी लोगों का? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो फटाफट क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के से स्टार्ट करता हूँ, सुनिए, एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पीड में एडजस्टमेंट, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिया है, बहुत फास्ट हो गया, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो यहाँ पे, देखो मैं लिखते चल रहा हूँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, देखो ऊपर हेडिंग दिख रहा है आप लोगों को, ये हेडिंग देख के लिखने का, क्या मालूम पड़ा आइटम किसी और के, किसी और के घर में चला गया, यस और नो? ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस, याद आ रहा है हमने लिया था, यस, कितना 76,000। आप मेरे साथ फटाफट लिखते चलो दोस्तों, कि टाइम कम है हमारे पास, 10:35 हो चुका है, 10:35 हो चुका है, ठीक है, हमने लेक्चर 9:45 को स्टार्ट किया था, कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है हमको। चलो देखो आइटम का मतलब क्या होता है बेटा, जो नाम लिखा रहता है वो आइटम, आप जो आइटम सोचते हैं वो आइटम नहीं, किसी और का आइटम किसी और के घर में चला गया, समझ में आया? मतलब घर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये घर है। आइटम मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में जो नाम है वो आइटम्स। अब आप जिस आइटम की बात कर रहे हैं भैया, भगवान जानता है और आप जानते हो, आपका मन और आपका ईमान बराबर है क्या? नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 76,000, ठीक है, आगे बढ़ते सभी लोग, ओके। हंस लो, हंस लो भाई, हंस लो, अभी क्या बोलूं मैं आपको। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 वेयर स्टूडेंट, होते जाए ना फटाफट, यस और नो? समझो जरा, सब्र रखो। कौन हिंदुस्तानी भाव बोलता है ना ऐसा? हाँ, पहले तो पहली फुर्सत में निकाल दूंगा मैं तुमको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो हाँ हो गया सर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अनइंश्योर्ड गुड्स 10,000 वेयर स्टोलन, समर सैयद, याद रखना सदाब सैयद, सभी लोग याद रखो, क्या बोला है? 10,000 का माल चोरी हो गया। चलो गुड्स से जुड़ा हुआ अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स से जुड़ा हुआ अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स स्टोलन, फटाफट दोस्तों स्पीड बढ़ाइए, 10,000 का माल चोरी हो गया। अच्छा बीमा नहीं था तो इंश्योरेंस कम क्लेम मिलने वाला नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू लॉस बाय थेफ्ट, कितने का नुकसान हो गया? पूरा 10,000, पूरा का पूरा, कुछ मिलने वाला नहीं है, यस और नो? ठीक है चलो, हाँ ठीक है, नेक्स्ट हो गया, डन, वेरी गुड, स्पीड में सुन फटाफट, स्पीड में, ठीक है, स्पीड में लिखना है हमने। चलो गुड्स 10,000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2013, गुड्स हमने बेचा और डिलीवर भी हो गया, सामने लोगों को मिल भी गया, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द सेल्स बुक, मतलब ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो सेल्स में ऐड कर ले और डेटर्स में ऐड कर ले, जैसे हम लिखते ना गुड नाइट स्वीट ड्रीम, GNSD, SD स्वीट ड्रीम्स, SD, तो ऐड इन सेल्स ऐड इन डेटर्स, और अनरिकॉर्डेड परचेस का प्रियंका चोपड़ा को क्या बोलते हैं? PC, P फॉर परचेस, C फॉर क्रेडिटर्स, ऐड इन परचेस ऐड इन क्रेडिटर्स, SDPC, अनरिकॉर्डेड परचेस अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो ऐड इन सेल्स ऐड इन सेल्स ऐड इन सेल्स, सेल्स में हम ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स,
एड अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000, प्लस है तो प्लस ही करना, प्लस करके 2,22,000, एंड एड इन सन्ड्री डेटर में एड एड अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000। लाइन खींचो, अंदर ही रखो जब तक ये 5 लाइन खत्म नहीं होती है, जब तक ये लाइन भरेगा नहीं ना, इसको बाहर लेने का नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो ऐड करने का ऐड, ठीक है। कोई भी चीज रिकॉर्डेड नहीं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, और कोई चीज किसी में अगर इंक्लूड है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, समझा? अनरिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए ऐड करो, इंक्लूड को एक्सक्लूड करने के लिए लेस करो, हमेशा याद रखो इन चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, यहां तक सबका हो गया है, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, टाइम कम है, काम ज्यादा है। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड मोटर वैन एट 15%। फटाफट मशीनरी और इसमें मोटर वैन पे डेप्रिशिएशन हमने अमाउंट निकाला हुआ था, यस और नो? चलो माइनस, पहले किसमें से? प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, इसका 4,400 आया था, और मोटर वैन का माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% था, तो इसका था 9,450। चलो 44,000, 4 गया 40, 40 में 400 गया 39,600, बराबर है? अरे हाँ या ना, देख लो दोस्तों, अगर गलत रहेगा तो बता दीजिए मेरे को, यस और नो? तो यहाँ पे 550, 12 में से 9 गया 3, 5, 53,550, 53,550, ठीक है, 53,550, बराबर है क्या? देख लो, यस और नो? 0, 5, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 9 गया 3, 6 ने 1 दिया 5, 53,550, ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन हो गया लिख के सबका, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,400, टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन नौ हजार चार सौ पचास, ठीक है, हो जाए तो बता दिए फटाफट मेरे को। डेप्रिसिएशन प्लांट टू डेप्रिस, अलग अलग लिखो, तू तेरा मैं मेरा, बराबर है कि नहीं? तेरा साथ है कितना प्यारा, पर तू तेरा मैं मेरा। चलो हो गया, ओके वेरी गुड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, बिल्स रिसीवेबल में से लेस माइनस बिल डिसऑनर्ड, माइनस बिल डिसऑनर्ड, कितने का बिल था दोस्तों? 4,000 का था, 16 में से 4,000 गया 12,000, और डेटर्स में एड एड बिल डिसऑनर्ड, जिसका लाइन भर गया वो बाहर चला जाएगा, बोलते हैं जिसका लाइन भर गया वो बाहर जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा। कितना बिल से सर? 4,000। चलो तो 70,000 में 4,000 प्लस करो, अंदर ही रखो, हाँ अभी इसके लाइन खत्म नहीं हुए हैं ना, यस और नो? चलो चलो आगे बढ़े दोस्तों, हंसते खेलते सॉल्व करने का प्रॉब्लम यार, मजा करके, यस और नो?
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरडी रिजर्व फॉर डाउटफुल 5% ऑन डेटर्स, इसमें से माइनस न्यू आरडीडी एट द रेट 5%, इतना 5%। अब 5% किसका निकालने का दोस्तों, देखो जो अमाउंट आपके सामने है 74,000 पे निकालने का, किस पे निकालने का, ये जो 5% है आप किस पे निकालोगे, 74,000 पे निकालोगे, याद रखना ठीक है। चलो बताओ 5% कितना, 3,700। वेरी गुड शिवम, माइनस करके 71,700 गया, 70,300, 70,300, 70,300। वेरी गुड वेरी गुड, चलो हो गया। और सेकेंड एड इन बैड डेट्स, एड इन बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी 3,700 प्लस करके 4,700 हो गया, हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, देखो अभी हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस किया, पोस्टिंग भी किया, एडजस्ट भी खत्म हो गया, बराबर एक घंटा लगा हमको सन, 1 आवर ठीक है, एक घंटा बराबर लगा हमको, यस ऑन नो ठीक है। अब फटाफट इसको हम क्लोज करें, सब लोग साथ में हो गया बच्चों, यस अंडरस्टूड एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, चलो अब क्लोज करना है, क्लोज करना है क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल। चलो फटाफट क्रेडिट साइड का टोटल 6 और 2 8,000, ये हो गया बराबर है, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 2 3,08,000, अच्छा और इसका हो गया 1,67,800, 1,67,800। चलो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, वेरी गुड। चलो बराबर है 1,67,000, हाँ चलो माइनस करके बताओ मेरे दोस्तों कितना आता है, माइनस करके बताओ, तब तो मैं कॉमन रूल लिखता हूँ, 3,08,000, 3,08,000। चलो कितना आता है माइनस करके, टेल मी फास्ट, जहां कम है वहां, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन स्टैक 1,40,200। देखो आप पे भरोसा करके लिख रहा हूं मैं भाई, 1,40,200 ठीक है, आप लोग पे भरोसा करके कर रहा हूं, बाद में धोखा मत देना मेरे को भाई। चलो हो गया, क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया 1,40,200, वेरी गुड। अब इस कैरेट डाउन को ब्रॉड डाउन करेंगे दोस्तों, कहाँ ब्रॉड डाउन करना मालूम है ना आपको, ये देखो यहाँ पे अपोजिट साइड में, इसलिए यहाँ का फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखने का रहता है, कुछ मालूम नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, यस ऑर नो। सेंड कभी वीडियो अगर बफरिंग होता है तो थोड़ा रुकने का ठीक है, जब तक मैं आपको मैसेज नहीं भेजूँ ठीक है, थाम राइट सर, कभी 2 सेकेंड हो सकता है, कभी 10 सेकेंड हो सकता है, 20 सेकेंड हो सकता है, थाम भाई सर, ये आजकल लफड़ा बोलता है, बाय। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,40,200 ठीक है, चलिए हो गया दोस्तों। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का,
क्रेडिट साइड का होगा 1,800,000, 1,42,000 बराबर है तो 10। हाँ, और डेबिट साइड का फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी 54,550 चेक करो सभी लोग। ओके, 54,550 54,550 क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है। कितना माइनस करेंगे अब इसमें से? ठीक है, तो माइनस किया तो ये आया यहाँ पे 450, 11 में से 4 गया, कितना होता है 7, 14, 13 में से 8 गए, 87,450। ठीक है, ध्यान देना है दोस्तों सभी लोगों ने। अब ये जो है दोस्तों, ये जो है ये दो लोगों में बटेगा। ठीक है, किन दो लोगों में बटेगा दोस्तों? काले यानी गोरे, 2:1 रेशियो था, बराबर है ना? हाँ या ना? 2:1 था, बराबर है क्या? नहीं, यस और नो? तो अब इसको बांटना है हमको 87,450। देखो पहले कैसे करने का मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपको नहीं समझता था। अभी देखो 87,450, जिसको नहीं आता है देखो यहाँ पे, पहले 2+1 थ्री, थ्री से डिवाइड करने का। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 बचा 7 नीचे लिया, बराबर है क्या? 3 9 जा 27, ये खत्म हो गया। 4 नीचे लिया, 3 1 जा 3 लिया, बचा 1, 5 नीचे लिया, 3 5 जा 15, खत्म हो गया। ये जो 0 बचा ये ऊपर आ गया, तो 29,150। देखो कैसे करने का, समझा आपको? यस और नो? अरे हाँ या ना? ओम गुप्ता, क्रेडिट साइड का 1,40,200 और ये 1,800 कौन ऐड करेगा? 1,800 देख इधर ओम गुप्ता, इधर देख 1,800 रुपये, समझा? सब लेने का। अब जब आपने डिवाइड, देखो पहले डिवाइड करने का, पहले क्या करने का? डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, याद रखो पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई। अब देखो 29,150 आया, 3 से डिवाइड करके अब 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा हमारा। ट्वेंटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2+1 3, 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4+1 5, देखो 58,300। समझ में आया? पहले डिवाइड करो फिर बाद में आप क्या करो, मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? समझा क्या? अरे हाँ या ना? सभी लोगों को समझ में आया है? पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई, सभी लोगों को समझ में आया बच्चों? फटाफट बंद करना है हमको, 11 बजे तक होना चाहिए हमारा प्रॉब्लम, फटाफट। चलो हो गया, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये यहां से मैंने मिटा दिया। चलो अब इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, कितना लाइन छोड़ने का दोस्तों? मैंने बताया हमेशा आपको 5 लाइन छोड़ देने का, 1 2 3 4 5, 5 लाइन छोड़ने के बाद फिर बंद करने का इसको ऐसा। चलो फटाफट, टोटल टोटल हाईएस्ट टोटल कितना था? 1,42,000। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये लोग ट्रांसफर भी लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर नीचे पार्टनर्स का ना,
टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, कौन कौन है भाई? काले गोरे 58,300, 29,150। प्लस करके 87,450 हो गया सबका लिख के, तो बताइए। ठीक है, अब जो वर्किंग रफ किया, रफ ये जो किया ना आपने, ये वाला देखो, ये वाला ये कंपलसरी, यहां यहां नहीं लिखने का, ये रफ है आपका, रफ। समझ में आया क्या? समझा? ये रफ है, ये रफ है, ये लिखना नहीं भाई। ये देखो, ये सब रफ है आपका, समझा? तो लिखते बैठोगे प्रॉब्लम के अंदर में, बाहर आप किधर भी करो। ठीक है, चलो अब ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्ट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नीचे लिख दो नेट प्रॉफिट। बराबर है कि नहीं? यस और नो? एक का आया था कितना? 58,300, 58,300, 29,150। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, 29,000। हाँ चलो देखो, यहां तक हो गया तो बताइए मेरे को दोस्तों। आपको ये जो भी वर्क रफ किया है ना, वो प्रॉब्लम के अंदर नहीं करने का, प्रॉब्लम के बाहर। अगर अंदर किया तो बाद में मिटा देना उसको, अगर जैसे मैंने किया है तो बाद में मैं मिटा सकता हूँ उसको। बराबर है क्या नहीं? यस और नो? पर मैं मिटा क्यों नहीं रहा, कि आपको समझ में आना चाहिए। बराबर है क्या नहीं? एक्चुअली मैंने वो सब मिटा देना चाहिए। ठीक है, आगे से अगले प्रॉब्लम में मैं सब करके बाद में मिटा दिया करूंगा वर्किंग नोट। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करें हम दोस्तों। ध्यान दीजिए, अभी दोनों का क्रेडिट साइड देखो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में कितना हो रहा है देखो, ध्यान दीजिएगा। ये हो रहा है 1,38,300 और ये हो रहा है 69,150। और यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है? जीरो है। डेबिट में कुछ नहीं मतलब क्या है? जीरो। अभी आपको देखो, हाईएस्ट तो जो कॉमन है वही बनेगा जो हाईएस्ट है, 1,38,300, 1,38,300। इसमें से जीरो माइनस करोगे तो इतना ही आएगा, 1,38,300, 69,150, 69,150। इसमें से जीरो माइनस होगा, 69,150, उतना ही आएगा ना सर? यस और नो? अरे हाँ या ना? क्या? जो मैंने, हाँ तो ट्रांसफर किया तो जाएगा ना भाई पार्टनर्स कैपिटल को, भाई पार्टनर को दिया तो पार्टनर्स कैपिटल में दिखेगा ना वो। ठीक है, वो कंपलसरी है ये ट्रांसफर करना। ठीक है, ये जो है मिटा दिया मैंने यहां से। ठीक है, अब इसको लिखने का, टू बैलेंस कैरीड डाउन। अगर मैं पार्टनर्स को प्रॉफिट दे रहा हूं तो पार्टनर्स के कैपिटल में दिखना चाहिए ना भाई। मैं जैसे आपने मुझे कोई चेक दिया तो वो आपके अकाउंट में भी दिखेगा, मेरे अकाउंट में भी दिखेगा ना। आप बोले मैंने दिया, मेरे अकाउंट में दिखने का, सामने वाले के अकाउंट में नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। प्रूफ कैसे होगा? तो दोनों के बुक्स में दिखेगा तभी तो प्रूफ होगा ना। चलो अब आते हैं हम इसको बैलेंस शीट, डेबिट में आया ना ये, कहाँ आया ये? डेबिट में आया तो क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटीज में। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने 10 लाइन छोड़ा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं यहां लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, काले आनी गोरे, जो कैरी डाउन था वही। हाँ, 1,38,300, 69,150। तो ये हो गया आपका
450 ये हो गया, दैट्स लाइक 17,0112, 2,07,450। दो लाख सात हजार प्रथम क्या बोलता है, 2:1 रेशियो शो करने मैं, अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, ये देखो ये ना मैं आपको समझाऊं, देखो ये करने का मैं इसको ऐसा मिटा देता हूं, आप भी जब एग्जाम में करोगे ना देखो ये ऐसा ना मिटा देने का, समझ में आया क्या? बाद में अभी आप पेंसिल से करने के बाद में मिटा देने का, समझ में आया क्या? ठीक है, पर मैंने अभी रखा हुआ है उसको, ठीक है, समझा क्या आपको? फिर क्या प्रॉफिट एंड लॉस में बांटना पड़ता है दोस्तों, कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये पक्का प्रॉफिट है, तो ये आपको कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर रेशियो दिया तो रेशियो में बांटो, अगर रेशियो नहीं दिया तो इक्वली बांटो, कंपलसरी बांटना है, समझ में आई बात? सेन देखो ये प्रॉफिट और लॉस रेशियो, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ तो भी बांटना है, लॉस हुआ तो भी बांटना है, प्रॉफिट अगर पार्टनर शेयर करेगा तो लॉस के अपन शेयर करेंगे भाई, फायदा तुम ले रहे हो तो नुकसान मैं क्यों लू, फायदा भी तुम्हारा नुकसान भी तुम्हारा, ठीक है। चलो देखो जैसे अभी मैं बताता हूँ, पहले पहले प्रॉब्लम कमिट करने दो मेरे को, ठीक है, चलो पहले अब टैली कर दें हम लोग, टू लैख 97,450, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, जैसे भी ये मेरा मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बराबर है ना, अब मैं क्या करूंगा, रबर लूंगा, ठीक है, मिटा देगा, समझ में आया? तो एग्जाम में ऐसा मिटा देना आपने, अभी मैं फिलहाल नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है, फिर यहां आने का, रबर लेने का, ऐसा मिटा देने का एग्जाम में वर्किंग करने के बाद, समझ क्या मोटर वैन के नीचे क्या लिखा है मैंने, डेप्रिसिएशन एट द रेट, हाँ तो भाई लिखना पड़ेगा ना, अरे यार तुम क्या माइनस कर रहे हो बताना पड़ेगा ना, यस और नो, फिर ठीक है, ये जो आप ले बता रहे हो ना ये वाला जो आप बोल रहे हो, ये जो डेप्रिसिएशन ये लिखना पड़ेगा मेरे भाई, समझ में आया क्या? ठीक है, ये जो आप कर रहे हो लेस, ये एडजस्टमेंट है, ये सब दिखाना, ये सब दिखाना पड़ता है मेरे भाई, समझा? ठीक है, हाँ सही, देखो आपको यही समझ में नहीं आया, ये नेट प्रॉफिट है, ये क्या है, नेट प्रॉफिट है, ये पक्का प्रॉफिट है, अब ये प्रॉफिट का हकदार कौन है, पार्टनर्स, तो आपको ये कंपलसरी बांटना पड़ेगा काले और गोरे में, कंपलसरी बांटना पड़ेगा, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है।